नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूँ। एक ही चीज़ मैं रोज़ बोलता हूँ कि यूथ कंपटीशन। तो आज यूथ कंपटीशन की सूचना तकनीकी जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसका आज हमारा दूसरा लेसन है, जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 5 नंबर के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसी बात को मैं रोज़ बोलता हूँ, आदत हो गई है बोलते बोलते। दूसरा है, ध्यान रखिएगा, पहला वाली वीडियो नहीं देखोगे जरूर देखिएगा, प्लेइंग लिस्ट बना दिया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर, एक एक नंबर आपका बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। बाकी चीज़ें तैयारी अपनी मजबूती से बनाए रखिएगा, पता नहीं कब युद्ध लड़ने का मौका मिल जाए और वो युद्ध आखिरी युद्ध समझ कर लड़िएगा, वरना जीवन में पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी किसी दूसरे के बहकावे में मत आइएगा, आप हर सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैं खुद जो है आपको तो वीडियो बनाकर देखता हूँ, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ, ये सोचकर। पहले मैं खुद का सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ तभी वीडियो बनाता हूँ, ये सोचकर मैं पढ़ता हूँ। तो आप भी ऐसे करिएगा। बाकी चीज़ें अगर जीवन में सफलता लगी रहती है, नहीं मिला तो क्या हुआ, अनुभव तो मिलेगा। प्रश्न नंबर पहला है कि शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है, शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण में रुचि बनाए रखने के लिए और शिक्षण को सरल बनाने के लिए। तो इसका सीधा सा सरल ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ऑप्शन पहले में। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर भी दिख गया है कि शैक्षिक तकनीकी केंद्र संस्थान द्वारा शुरू किया गया कहाँ, तो एनसीईआरटी द्वारा। एनसीईआरटी की स्थापना दिल्ली में हुई थी 1961 में। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, सन इसमें नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा 1961 में हुआ था एनसीईआरटी की स्थापना। और शैक्षिक तकनीकी जो सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए इनका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, CAI क्या है। क्या है तो यह एक जो है ना कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, इसको कहते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, यानी कि कंप्यूटर एसोसिएशन। और एक होता है इंफॉर्मेशन होता है ना, आई का फुल फॉर्म देखते हैं क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन होता है फुल फॉर्म, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है। ऐसी तकनीक होती है जो कंप्यूटर की सहायता से स्वतः शिक्षण प्राप्त किया जाता है। आप कहते हैं कि यहाँ पर स्वतः शिक्षण जो है प्राप्त करने की तकनीक होती है, जैसे अभिकर्मिक अनुदेशन में ऐसे ही तो दिया जाता है स्किनर के, तो वही तकनीक CAI कहलाती है। प्रश्न नंबर चार है कि टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपको प्रश्न नंबर चार में बताना है, तो ये जो है ग्रीक भाषा से हुई है, ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर चार का, ध्यान रखिए इनका। प्रश्न नंबर पाँच है कि अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक सबको पता है VF स्किनर महोदय जी हैं, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, पांचवा का ये वाला विकल्प। देखिए यहाँ पर अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रतिपादक व्यवहारवादी वैज्ञानिक मूल व्यवहारवादी हैं स्किनर अमेरिका के रहने वाले हैं, 1954 में ये दिए थे। और इस तकनीकी में विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेम में बांटकर शिक्षा प्रदान किया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से सीखा जाता है, छोटे छोटे पार्ट में उन चीज़ों को बांटकर सिखाया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा छठवां प्रश्न है कि अभिकर्मिक अनुदेशन के प्रकार, तो रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन, शाखीय अभिकर्मिक अनुदेशन और मैथेटिक अभिकर्मिक अनुदेशन, इन तीनों प्रकार के अंतर्गत आते हैं। नहीं पूछा है, हम भी कहाँ क्या पूछा है, प्रश्न डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन की बात करें तो स्किनर का नाम आ जाएगा, शाखीय अभिकर्मिक अनुदेशन की बात करें तो ई क्राउडर का नाम आता है, बाकी मैथेटिक वाले जो है उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ऑप्शन होता तो बता देता, ये ऑप्शन का याद नहीं आ रहा है, बाकी ये भी है हमारे मैथेटिक अभिकर्मिक अनुदेशन के अंतर्गत। तो तीन अभिकर्मिक अनुदेशन है, ध्यान रखिएगा, अभिकर्मिक अनुदेशन के जनक स्किनर हैं, बाकी रेखी के स्किनर है, शाखी के ई क्राउडर है, मैथेटिक के मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, ऑप्शन होता तो ध्यान पर चढ़ जाता। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर सात, बाह्य अनुदेशन भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आंतरिक अनुदेशन होता है, एक बाह्य अनुदेशन होता है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर सात में आपको बताना है कि बाह्य अनुदेशन के अंतर्गत कौन आता है, तो वह रेखीय अभिकर्मिक अनुदेशन को कहीं कहीं वायु अनुदेशन भी कहा जाता है, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और आंतरिक अनुदेशन के अंतर्गत शाखीय अभिकर्मिक अनुदेशन आता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा सातवां का। चलिए आगे है, वही प्रश्न पूछ दिया है कि शाखीय अभिकर्मिक अनुदेशन प्रारंभ किया था, अच्छा ई क्राउडर मैंने इसको बताया ही दिया हूँ, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, शाखीय अभिकर्मिक अनुदेशन। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर नौ,
अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन या बाह्य अभिक्रमिक अनुदेशन इसको कह सकते हैं। ये जो है ई क्राउडर वाले प्रश्न नंबर 9 का जो हमारा देखिए अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन को हम क्या कहते हैं पता है इसको मैथेटिक अभिक्रमिक अनुदेशन। और गिलबर्ट महोदय जी हैं, ये ऑप्शन देखिए मिल गया, यहीं पर ऑप्शन दिया है, टी एस गिलबर्ट महोदय जी हैं मैथेटिक अभिक्रमिक अनुदेशन या अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन उसी एक ही को कहा जाता है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, गिलबर्ट महोदय ध्यान रखिएगा। साखी अभिक्रमिक अनुदेशन ये जो ऑप्शन में दिया गया है, साखी अभिक्रमिक अनुदेशन कहाँ गया है देखिए, साखी नहीं थोड़ी सॉरी मैथेटिक अभिक्रमिक अनुदेशन को जो है अवरोही अनुदेशन कहा जाता है, याद रखिएगा अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन आप कह सकते हैं या अभिक्रमिक अनुदेशन, देखिए अवरोही अभिक्रमिक अनुदेशन जो है कहा जाता है। ई टी एस गिलबर्ट महोदय इसके जनक हैं, सी वाला विकल्प ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीनों के ध्यान रखिएगा, रेखी के स्कीनर है, साखी के ई क्राउटर है और अवरोही या मैथेटिक कैसे कह सकते हैं गिलबर्ट महोदय जी हैं, यहाँ पर दिया गया है गिलबर्ट, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि शैक्षिक तकनीक के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है शैक्षिक तकनीक में, तो व्यवहारिक तकनीक, शिक्षण तकनीक, अनुदेशन तकनीक, ये डी वाला विकल्प, ये सभी तकनीक के अंदर सम्मिलित होते हैं, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद वहीं पूछ दिया, एनसीईआरटी स्थापना 1961 में हुआ था, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दिल्ली में है, 11 का बी वाला विकल्प, देखिए यहाँ पर दिया है 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद हुआ था, यह विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने का कार्य करता है, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय जो है दिल्ली में ही है, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, और इसकी अब स्थापना जो है NCT इसको कहते हैं ना, NCT नेशनल कुछ फॉर्म होता है भाई, NCT नेशनल टीचर नेशनल एजुकेशन परिषद, इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, नेशनल इसी का कुछ नाम याद नहीं आ रहा, चलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसका नाम है, ये स्वायत्त अध्यापक शिक्षा प्रबंधन की उच्च निकाय है जो थी, ये अध्यापक से संबंधी जो है सलाह देने का कार्य करती है, दिल्ली में स्थापना हुआ था 1995 में, 1 जुलाई 1995 में इसमें की स्थापना हुआ था NCTE की, और यही जो है विवादित का कारण है, बीएड और बीटीसी विवाद का कारण यही NCTE ही है, इसी ने जो है बीएड वालों को प्राइमरी में सम्मिलित किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक WLN महोदय जी हैं, आपको पता होगा, लेकिन अगर बीके पासी की बात करें तो ये भारत में है सूक्ष्म शिक्षण के जनक, ध्यान रखिएगा, तो ए वाला विकल्प प्रश्न नंबर 34 का सही हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण, चलिए WLN अच्छा दो नाम आते हैं WLN और रॉबर्ट एन ब्रूस का नाम आता है, अमेरिकी विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण या प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापक से यह अपेक्षा रखता है कि वे किसी तत्व को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम में शिक्षा दे, ये कथन किसका है वो आपको बताना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये जो कथन की बात करें तो ये हमारे बीके पासी महोदय जी दिए हैं जो कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं, तो ध्यान रखिएगा वी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 14 का बी वाला विकल्प बीके पासी। हाँ प्रश्न नंबर 15 की सूक्ष्म शिक्षण का सूत्र है, इसमें से सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का सूत्र इसमें से कौन सा है वो आपको 15 का बताना है, तो अंश से पूर्ण की तरफ ए वाला विकल्प 15 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म मिश्रण का सूत्र अंश से पूर्ण की ओर है तथा यह बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक, डीडी तिवारी, यहाँ पर इनका नाम दिया रहता है, क्यों बी के पास ही नहीं दिए हैं ना, हाँ डीडी तिवारी सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। देखिए सूक्ष्म शिक्षण शब्द का जनक अगर पूछता है ना तो वो चीज़ें इनके साथ जाती है, डीडी तिवारी के साथ, बाकी सूक्ष्म शिक्षण प्रारंभ की बात करें तो वो बीके पासी महोदय हैं, वैसे तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा,
ध्यान रखिएगा। पहले चीज यहाँ पर समझिए, सूक्ष्म शिक्षण का जनक यहाँ पर दिया है प्रश्न, हालांकि ये गलत भी दे सकता है। सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है डीडी तिवारी ने किया था, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ बात करें, प्रारंभ किए तो जनक भी हो सकते हैं वही, तो बिक के पास ही महोदय जी थे, वो चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 का ए वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाए इनका। यहाँ पर जनक दिया गया है, समझ में नहीं आता है क्यों, हमने अपने नोट्स में इनको प्रयोग लिखा हूँ कि शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 17 की सूक्ष्म शिक्षण का सही चक्र इसमें से बताना है। सूक्ष्म शिक्षण में पहले क्या होता है कि योजना बनाना होता है, फिर शिक्षण करते हैं, फिर पुनः क्या करते हैं, यहाँ देखिए ना, पहले ये योजना बनाते हैं, योजना जिसको नियोजन कहते हैं ना, हाँ नियोजन कहते हैं, उसके बाद आप शिक्षण करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं, पुनः नियोजना बनाते हैं और पुनः शिक्षण करते हैं और पुनः प्रतिपुष्टि करते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन देखिए मिल ही रहा है हमारा, सी वाला ऑप्शन देखिए, नियोजन योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि, तो 6 स्टेप होता है, ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और बातें मैं बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 6 स्टेप आपको पता है कि पहले योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षण किया जाता है, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है, फिर पुनः योजना बनाई जाती है, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है, तो 6 स्टेप हो गया। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा वो 5 स्टेप को फॉलो करती है, 5 स्टेप को फॉलो करती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो योजना शुरू में नहीं बनाएगी, पहला स्टेप को वो नहीं रखती है एनसीईआरटी, पहला स्टेप को नहीं रखती है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो पहला स्टेप को कभी नहीं रखती है एनसीईआरटी। बाकी एलन महोदय जो हैं वो 6 स्टेप को रखते हैं, और जो पुनः योजना बनाया जाता है, पुनः योजना वो 12 मिनट का होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, 12 मिनट का होता है वो एनसीईआरटी के अनुसार, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार, और एनसीईआरटी पूरा 36 मिनट मांगती है, 36 मिनट का ये सूक्ष्म शिक्षण होता है, 36 मिनट का है। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है कि किसी एक कौशल को उठाया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है, ये चीज़ें बस समझिएगा। बाकी एलन महोदय 42 मिनट को मानते हैं और एनसीईआरटी जो है 36 मिनट को मानती है, और पहला स्टेप जो है एनसीईआरटी नहीं रखती है, यानी कि योजना जो है नहीं बनाती है। जैसे यहाँ पर देखिए योजना दिया गया है ना, तो ये एनसीईआरटी इसको नहीं रखेगी, पहले उस शिक्षण को ही रखेगी, फिर प्रतिपुष्टि, पुनः योजना पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि रखती है, उसके बाद जब आप पुनः योजना बनाते हैं तो ये 12 मिनट का एनसीईआरटी रखती है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा 36 मिनट, और यहाँ पर देखा गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि जो है 36 मिनट की होती है, ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल में देगा है कि नियोजना शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः योजना 12 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, ये चीज़ गलत है भाई ना, देखिए गलत है, ये योजना नहीं देना चाहिए यहाँ पर, ये ऐसे बुक गलत दे देती हैं सब। मैंने नोट्स में अपने निकाला हूँ कि पहले शिक्षण करेंगे वो 6 मिनट का होगा, तो पहले शिक्षण ये हो जाएगा, ये पूरा हटा दीजिए यहाँ से, पहला शिक्षण, उसके बाद प्रतिपुष्टि 6 मिनट, उसके बाद परियोजना 12 मिनट, उसके बाद पुनः शिक्षण इसमें दिया नहीं गया है, देखिए प्रतिपुष्टि दे दिया गया है, अरे पुनः शिक्षण करेगा ना योजना बनाने के बाद, तो क्या मतलब है, तो पुनः इसके बाद ये स्टेप छोड़ दिया गया है, तो ये गलत चीज़ है, ध्यान रखिएगा बस 36 मिनट यहाँ पर ध्यान रखिए, बाकी ये पहला स्टेप जो है एनसीईआरटी फॉलो नहीं करती है, बाकी अभी सभी स्टेप को फॉलो करती है एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हर एग्जाम में, पूछा जाता है चाहे यूपी टेट सुपर टेट शिक्षक भर्ती सी टेट में, सभी में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न नंबर 19 का डी वाला ऑप्शन दिख ही रहा है आपको, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित कौशल है, तो ये प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल और प्रश्नोत्तर कौशल सभी आते हैं, ये कौशल हैं आपको दिख ही रहे होंगे, श्यामपट कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, दृष्टांत कौशल को उदाहरण कौशल भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पहले इसमें उदाहरण आता है, ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, लगता है लास्ट प्रश्न है, सही लास्ट प्रश्न है, वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सूक्ष्म शिक्षण की जो भी बातें मैं बताया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी जगह इधर उधर करके दिया गया है, इस बुक में भी देखिए इधर उधर करके दिया गया है, लेकिन नहीं मैंने नोट्स में जो लिखा है वो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और वो सही भी है। अब हो सकता है अब आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ और हो तो उसको देख लीजिएगा ध्यान से। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।